पुष्पा पुष्पा राज मैं झुकेगा नहीं साला। वापस वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। अपन मामर अंसारी आप सभी लोगों का स्टाइलिश स्टार नाउ आइकन स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा टू द रूल के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? तो भैया फाइनली वो अनाउंसमेंट जिसका हम सभी लोगों को ऑफिशियली बेसब्री से इंतजार था वो आज आ चुका है। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि मैंने पता किया है यहाँ पर मेकर्स ने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एग्जीब्यूटर्स है ओवरसीज में उनको एक कंफर्मेशन दे दिया है कि हमारी फिल्म जो है पोस्टपोन हो चुकी है एंड पुष्पा टू जो है डिस्पाइट कल तक यहाँ पर जो पोस्टर रिलीज कर रहे थे यहाँ पर अंगारों से गाने का वहां पर भी लोग लिखे थे 15 अगस्त का डेट है, लेकिन सबको यहाँ पर एग्जीबिशन सर्कल्स में बता दिया गया था कि पुष्पा टू द रूल जो है नहीं आने वाली है, नहीं रिलीज होने वाली है। लेकिन ऑफिशियल डिसीजन जो है पुष्पा के पोस्टपोनमेंट का वो कल रात को लिया गया है। यस फ्रेंड्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग कल रात को ही मेकर्स ने डिसाइड किया है कि नहीं, हम लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम लोग हाईबाजी नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर फिल्म को पोस्टपोन करेंगे। अब ये दो चीजें हैं। नंबर वन, जब आपकी फिल्म यहाँ पर अभी अगस्त में रिलीज होने वाली थी, ओके, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऑलमोस्ट 3 महीना आगे आपकी पिक्चर जा रही है, अगर आपकी फिल्म का कोई एसेट रिलीज नहीं हो रहा है ना, देन यू आर इन द सेफ पोजिशन। लेकिन यहाँ पर पुष्पा टू वालों ने ऐसी प्लान की थी कि हम लोग अगस्त में आने वाले हैं, इसलिए उन लोगों ने अपने फिल्म के दो मेजर एसेट जो है यहाँ पर रिलीज कर दिए। नंबर वन पुष्पा 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 राज, और दूसरा अंगारों से गाना जो है ना वो पुष्पा के टाइटल ट्रैक से बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ है। इसी का कारण है साउथ वाले हमसे थोड़ा आगे जाते हैं, क्योंकि दो लिरिकल वीडियोस, यही अगर हिंदी फिल्म होती है तो वो म्यूजिक वीडियो रिलीज करते थे। लिरिकल म्यूजिक वीडियो में जमीन आसमान का फर्क है। लिरिकल में तो उन लोगों ने कॉस्ट्यूम में डांस कर लिया, कौन से वाले रिहर्सल, यही उन लोगों का दिमाग वहां पे उन्होंने लगाया है। दे हैव नॉट रिवील्ड द यू नो प्रिंसिपल फोटोग्राफी, जो सीन्स है फिल्म के वो नहीं दिखाया है। पुष्पा राज गाने में थोड़े बहुत ग्लिम्सेस दिए है, यहाँ पे लोग सेफ साइड है, यहाँ पे लोगों ने बहुत ज्यादा रिवील नहीं किया है। तो अब क्या होगा, प्रमोशन थोड़ा बैकसीट ले लेगी पुष्पा टू द रूल की, थोड़े महीनों के लिए गए यहाँ पर। एंड आई थिंक 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन शायद एक पोस्टर रिलीज कर दे, अगर आने वाले समय में थोड़ा बहुत प्रमोशन जो है होता रहे, एंड आई थिंक 1-1.5 महीने तक पुष्पा टू द रूल जो है उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनोगे। ऑफिशियल अनाउंसमेंट 6 दिसंबर 2024 द रूल बिगिंस पुष्पा टू, ये डेट बाप डेट होती है। हमने देखा किस तरह से पिछले साल एनिमल एंड सैम बहादुर दोनों को एग्जिस्ट किए थे डेट पर, छुट्टी की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं पुष्पा टू को, जिस दिन पुष्पा टू रिलीज होगी उसी दिन जो है वो छुट्टी हो जाएगी, एंड ये मेकर्स ने जो है ध्यान से समझ लिया था। अब गाइस डेट काफी अच्छी क्यों है, यहाँ पर छुट्टी के पीछे न भागते हुए यहाँ पर पुष्पा टू के मेकर्स ने ओवरसीज का बिजनेस जो है दिमाग में रखा है। गाइस तेलुगु फिल्म जो है ऑब्वियसली ओवरसीज प्रीमियर में तो तोड़ के निकलेगी 1 मिलियन 2 मिलियन तो अल्लू अर्जुन के लिए होगा ही होगा, आगे जाकर ओवरसीज जो हिंदी मार्केट है वो भी बूम होगा। दिसंबर 6 जो है 2024 का फिल्म रिलीज हो रही है, प्रीमियर्स इसके 5th को यानी कि थर्सडे को जो है हो जाएंगे, बहुत अच्छा रिलीज डेट है ओवरसीज को मद्देनजर रखे तो। क्योंकि गाइस अभी आने वाले एक हफ्ते तक कोई भी बड़ी हॉलीवुड फिल्म जो है वहां पर नहीं रिलीज होने वाली। नंबर वन आईमैक्स स्क्रीन जो है मैक्सिमम एक हफ्ते तक इंक्लूडिंग PLF जो है यहाँ पर मिलेगा, यानी कि ओवरसीज पूरा एक हफ्ता बाप लेवल के कलेक्शन आएंगे। मेकर्स क्या कहते हैं, पुष्पा टू द रूल इंडियन सिनेमा की सबसे एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक है, इमेंस सक्सेस हमारी पहली भाग को मिला था, इसलिए हमारे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी आपको एक अच्छा प्रोडक्ट जो है देने के लिए। हम लोग बहुत दिन रात मेहनत करके फिल्म को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिमेनिंग शूट बाकी है, पोस्ट प्रोडक्शन बाकी है, इसी के कारण हमारी फिल्म 15 अगस्त 2024 को रिलीज नहीं होगी। ये इंटरेस्ट में फिल्म के सबसे अच्छे इंटरेस्ट में ही हमने ये डिसीजन जो है यहाँ पे लिया है, ताकि ऑडियंस और जितने भी लोग इन्वॉल्व है यहाँ पर हम ऐसा एक्सपीरियंस दे कि आपको जो क्वालिटी है फिल्म की उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज फीलिंग नहीं आएंगे। तो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स यानी कि हमारे टीजर को एंड गाने को सारे भाषाओं में बाप लेवल का रिस्पॉन्स आप सभी लोगों ने दिया है, इसी तरह हम आपको फिल्म भी बाप लेवल की लाकर देंगे। आर एक्सटेंडेड हार्टफेल्ट थैंक्स टू द ऑडियंस एंड पार्टनर्स वर्ल्ड वाइड फॉर देयर सपोर्ट, द मीडिया एंड द फिल्म इंडस्ट्री हैव ऑल्सो बीन सपोर्टिव। पुष्पा 2 विल नाउ रिलीज 6 दिसंबर, वी आर कमिटेड यू टू गिविंग द बेस्ट एंड यू विल सी द बेस्ट ओनली इन सिनेमा। सो गाइज यहाँ पर मेकर्स ने 6 दिसंबर का डेट जो है यहाँ पर दे दिया। अब गाइज सोलो है
नहीं है। इसके साथ एक ऐसी फिल्म आ रही है विकी कौशल को देखने में बड़े पर्दे पर मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। वो बंदा अगर 500 करोड़ की पिक्चर भी देख लेगा तभी भी मेरी नजर में वो विकी कौशल ही रहेगा। ओके, ऑल सेड एंड डन वो एक अलग विषय है, लेकिन अब ये फिल्म जो है विकी कौशल की ना, उसमें मुझे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि ये फिल्म महाराष्ट्र में जो मुंबई सर्किट है स्पेशली, वहां पर जो तोड़ेगी ना रिकॉर्ड्स, सोच भी नहीं सकते हो। इस फिल्म का नाम है छावा, ठीक है। पुणे में इसकी हाल ही में शूटिंग हुई है एंड द रिपोर्ट्स फ्रॉम देयर एग्जेम्पलरी। विकी कौशल विल गिव अ लाइफ टाइम रोल इन दैट मूवी, याद रखना। तो भैया इसमें कहना क्या चाहते हैं भाई, समझाइए सर। सब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें है ना एक ही हीरोइनी की दोनों दिन पर दोनों फिल्म रिलीज हो रही है। हम इनके साथ काम कर चुके हैं सर, आपकी एक फिल्म आई थी इसमें मैं सो गया था। अरे चुप रहिए भाई। हाँ, तो रश्मिका मंदाना की दोनों फिल्में हैं, पुष्पा में भी रश्मिका मंदाना है एंड छावा में भी हीरोइन जो है रश्मिका मंदाना है। तो इट विल बी 6 दिसंबर, रश्मिका मंदाना वर्सेज रश्मिका मंदाना, विकी कौशल छावा विल क्लैश विद नन अदर देन पुष्पा टू द रूल। अगर आपको लगता है छावा पोस्टपोन होगी, वो नहीं होगा। विकी कौशल बिंदास क्लैश करेगा, उसकी एक अलग ऑडियंस है, उसके चाहने वाले अलग है, वो कंटेंट लेकर आएगा एंड कंटेंट सिनेमा ऑलरेडी पैरेलल जो है किसी भी मास फिल्म के साथ कोई एग्जिस्ट कर सकता है। सबसे बड़ा जीता जाता है एग्जाम्पल है सैम बहादुर के साथ एनिमल का रिलीज होना। ओके गाइस, होप आज के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। सोचा था भैया अगर सुबह बनाएंगे एपिसोड, हम बोले तो रात रंगीन कर देते हैं तुम लोगों की। ओके गाइस, मैं अंशाई साइनिंग ऑफ, यू गाइस सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, वंस अगेन ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, स्लीप वेल।